आसिफ अली ने तो भाई इंडिया वालों की बजा दी है। तुम बच्चे हो भाई आसिफ अली, मैंने बोला था आसिफ अली जब आ गया ना, आसिफ अली मैं बोला कोई सा भी तुम्हारा बंदा आ जाए, भले कोई भी आ जाए, लेकिन जब आसिफ अली चलता है ना इसी तरीके से धोता है। तुमने अबे बुड्ढो को कहाँ लेके आ गए तुम हांगकांग के अंदर? मेरे को तो हंसी आ रही चीज पे, तुमने बुड्ढे भेज दिए हांगकांग के अंदर, जहाँ पे भाई उधर तो मारना ही मारना होता है उनके, कभी यहाँ चुक आ रही है कभी यहाँ चुक आ रही है। अबे भाई तुम पाकिस्तान के, यूएसी वो केदार यादव क्या नाम है उसका, वो यू गोल करा रहा है क्या, वो करवा रहा है क्या, उसका तारक मेहता का उल्टा चश्मे का टूर्नामेंट चल रहा है क्या, हो तुम लोग कौन सी चीज हो? अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा, आपको पता है कि भाई आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो हांगकांग सिक्सर जो लीग जो होती है, जो काफी टाइम से नहीं हो रही थी, वापसी हो रही है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है यहाँ पे भाई। मैच का सीन मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैच बस कुछ ही देर के अंदर भाई स्टार्ट होने वाला है। रॉबिन उतापा वगैरह बंदे आ चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस वाले इसके अंदर तो हम इंडिया को हराएंगे हराएंगे, वो इस वजह से कि भाई इंडिया का रिकॉर्ड इसके अंदर इतना कोई खास मुझे नहीं पता, कि मैंने इतने वो नहीं देखा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा। पहली बॉल, ओ भाई साहब पहली बॉल पे वो छोड़ा है, पहली बॉल पे कैच छुड़ गया। यहाँ पे मेरे साथ उसामा भी, उसामा से पूछता हूँ कि उसामा क्या बोलना चाहेगा, ये रिएक्शन पूरा देखना। और ये है कि अगर पाकिस्तान अगर जीत भी जाए तो तुम्हें कसम है तुम लोग पूरी वीडियो देखना और नीचे कमेंट जरूर करना। और तुम लोग उल्टे सीधे करोगे ना, हमारे पास बुड्ढे खेल रहे हैं तो तुम जवान खिला रहे हो, इसके अंदर कोई इस तरीके का लिखा हुआ नहीं है कि तुम्हें इस तरीके के इस एज के खिलाने हैं। तो ये सीन है, तो सलमान बोलो सामा यहाँ पे मौजूद। हाँ तो भाई सीन बड़ा खतरनाक ऑन हुआ है। अच्छा इसमें मजे ये है कि भाई 6 ओवर है ना और 6 बंदे ही खेलेंगे, तो फिर जो ना बस फास्ट गेम नहीं होता, बिल्कुल फास्ट और तेज भाई भाई ये तो छक्के छक्के मार रहे हैं इंडिया वाले। यूएई से भी बड़ी बचत हो गई भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इंडिया की टीम भारी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जो ना अभी हम हारते हैं बुड्ढे हैं वो, लेकिन अभी लास्ट टाइम जो ना हम यूएई से हारते हारते बचे, तो आसिफ अली ने ओवर निकाल दिया था। अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। तो भाई पहला ओवर जारी है, पहला ओवर का सीन को जैसा है कि भाई पहला ओवर 2 पे 2 आई थिंक चौके मार दिए, वो भी रॉबिन उतापा ने, इतना बुड्ढा रिटायर बंदा 2 पे 2 चौके खा रहा है उससे। तो यार देखना ये है कि तीसरी बॉल कराएगा, तीसरी बॉल चक्का भाई साहब क्या क्लास का छक्का मारा यार इसने। रॉबिन भाई तुम तो रिटायर हो जी हो क्या, ये किस टाइम के खिलाड़ी है भाई ये? अबे ये 2007 के वर्ल्ड कप में भी था ये। अबे लो एक और चौका अभी यामिन के सही से। अबे एक ओवर में क्या 18 क्या 24-25 रन देगा, क्या कर रहा है भाई साहब। उल्ले एक और क्लासिकल शॉट, ये हमारे जवान नहीं मार सकते जो ये बुड्ढा मार रहा है रॉबिन उतापा। इसका मैं जब केकेआर में खेलता था ना, मैं फैन हुआ करता था इस बंदे का, जिस तरीके की क्लास थी भाई साहब। रॉबिन को क्या बोल्ड मार रहा है फहीम भाई, लव यू यार, लव यू भाई, बहुत जबरदस्त बोल्ड मार रहा है। इसकी बोल थी बंद कर दी, बहुत दौड़ रहा था भाई आमिर यामिन बोल पे छक्का मारा और भाई रिवेंज लिया धड़ करके। अबे जाओ रे तुम, जाओ घर जाओ, तुम्हारा काम नहीं है हांगकांग वगैरह की लीग खेलना, 6 ओवर का मैच खेलना, जाओ यार तुम अपना काम करो। हाँ भाई कैसा लगा भाई फहीम भाई ने पहली बॉल पे छक्का खा तो लिया, उसने बहुत प्यारा शॉट मारा, लेकिन दूसरी बॉल ऐसी विकेटों के अंदर घुसी ना, ये क्या सीन हो गया। तो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है, मजा आएगा अभी आगे देखो। तो मेरे को यहाँ पे हारिस याद आ गया, पेम्पर कर लो टाइट वो वाला सीन, हारिस होता और मजा आता था। फुल ब्लॉग देखना, अभी आगे देखते हैं क्या करता है इंडिया, बहुत अच्छा खेल रहा है अभी तो। चलो आगे भाई साहब, फहीम अशरफ को तो मार मार के बुरता बना दिया, ये कौन है भारत चिप लीजिए भाई, इसका तो बड़ी दिक्कत हो रही है फहीम अशरफ भाई, बोले बड़ी दिक्कत हो रही है क्या करा जाए भाई साहब। एक बॉल डॉट नहीं हुई, एक बॉल जिसको बोलते हैं 32 रन पड़े, इतना दो रहा है भाई, बस कर दे चिपली हो कि कौन है ये, कहाँ से लेकर आए ये मुझे नहीं पता भाई, ये कौन सा बंदा भारत चिपली, इसको मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, जो आज हांगकांग की उसमें खेल रहा वो भी हमारे यंग लोगों के, आईपीएल में भी नहीं देखा। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, अभी भारत का मतलब 4 ओवर हो चुके हैं, अभी देखना ये है कि क्या लगता है कितना टाइम है। मुझे लग रहा है ये 150 तक चले जाएगा, जिस तरीके 150 गया ना पाकिस्तान के साथ पुश्ते भी नहीं बना सकते, तरीके से ये खेल है ना मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट मैच में फहीम अशरफ धुला है ना, जो छक्के खाए हैं उसने, तो कुछ कह नहीं सकते कि भाई ये 150 भी जा सकते हैं। 150 अबे भाई अगर इन्होंने 150 दे दिए ना, पाकिस्तान की 7 पुश्ते नहीं बना सकती, मैं ये भी बता दूं। लेकिन हमारे 150 अली है, आसिफ अली तो इनको मेरे को पता है बेड़ा गर्क कर देगा, जिस तरीके से उसकी फॉर्म लगी है ना। बाकी ये है कि भाई पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच भी जीतेगा, और वैसी ऑलरेडी 2024 में इंडिया से बहुत जगह जलील हो चुके हैं, अगर इधर भी अगर हो गए तो फिर तो कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जहाँ पे हम इंडिया से जलील ना हुआ। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, अभी देखते हैं टारगेट कितना देंगे ये लोग, फिर उसके बाद ही बात करेंगे। अभी देखना ये कि इंडिया वाले कितना देते हैं, अगर 150 दिया तो पाकिस्तान को, चलो आगे मिलते हैं। भाई साहब 119 रन इंडिया ने बना दिए, पाकिस्तान को 120 रन बनाने, और जो कि मुझे लगता है कि यार बच्चे हो भाई इंडिया वाला, नहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है 120 रन तो बहुत कम है हमारे पाकिस्तानियों के लिए, मुझे ऐसा लगता है 3 ओवर में ये 3.5 ओवर में पूरा कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 ओवर का 20 रन का एवरेज है अवर में, तो मुझे लग रहा है कि भाई
ये शायद इजी हो जाए पाकिस्तान, लेकिन सामने इंडिया अगर फिर थोड़ा टेंशन, बुमराह थोड़ी है उसमें हाँ ये बात है, बुमराह नहीं है ना कुलदीप है, तो फिर हमें टेंशन नहीं है, फिर तो हम कुछ ना कुछ कर देंगे। चलो देखते हैं। तो भाई अपना अभी में थोड़ी सी देर में, सिर्फ 2 से 3 मिनट में स्टार्ट हो जाता है, ये आसिफ अली वगैरह ये लोग आ गए हैं। अभी देखते हैं कि सीन क्या होता है भाई, बड़ा मजेदार होगा, ये बैटिंग देखने वाली होगी, इसमें आएगा मजा। ये आसिफ अली आ गए, इनकी धुड़मत बना दे हम ले, अगर चल गया ना ये ऐसा धोएगा, इनके साथ पूछते इंडिया वालों की याद रहेगी। इंडिया वालों अगर तुमने इसमें ये कमेंट किया नीचे आगे कि तुम्हारे जवान लड़के थे हमारे बुड्ढे थे, तो तुम्हारी मैं बजा दूंगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ नहीं था हांगकांग के रूल्स के अंदर के इस एज बनने के लिए, ये तुम लोग खुद लेके आओ दलील होने के लिए, हमारी इसमें कोई गलती नहीं। तो आसिफ अली आ गया यहाँ पे, आसिफ अली से बहुत उम्मीद है भाई मेरे को, ये पहली बॉल से ही मुझे लग रहा है ये हिटिंग पे जाएगा इस तरीके से, और ये भी बहुत टाइट खेल रहा है यार इखलाक जो है, जबकि ये हमारे पीएसएल के बिल्कुल बदतरीन हुए हैं ये हमारे, और इसको लेके चले गए ये, लेकिन यहाँ लेके गए, लेकिन ये कि जिस तरीके से पिछला मैच भी खेला इसने बहुत जबरदस्त, आई थिंक 50 मारी वाली, दोनों ने 50 हो गए थे। तो देखते हैं क्या होता है, पहली बॉल होगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। वो स्टूट भी नहीं आ चुका है, ये भी इंटरनेशनल खेल चुका है लेकिन बहुत पहले रिटायर हो गया, 2017 में रिटायर हो जी, ये नहीं पता यार भाई क्यों मोटे नहीं हैं। अभी देखते हैं पहली बॉल, उसके बाद वापसी कंटिन्यू करेंगे। मैं देखना चाह रहा हूँ पहली बॉल पे किस तरीके का वो करता है इंडिया, क्या हालत होती है क्या नहीं होती। तो ये भाई पहली बॉल कराने के लिए स्टॉट गिनी, आसिफ अली नहीं वो है, पहली बॉल तो डॉट करा दी भाई, बहुत जबरदस्त यार। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। साहब आसिफ अली ने तो भाई इंडिया वालों की बजा दी है, तुम बच्चे हो भाई आसिफ अली, मैंने बोला था आसिफ अली जब आ गया ना, आसिफ अली मैं बोला कोई सा भी तुम्हारा बंदा आ जाए भले कोई भी आ जाए, लेकिन जब आसिफ अली चलता है ना इसी तरीके से धोता है। तुमने 2021 का वर्ल्ड कप देखा था ना, इसकी तो दुर्मत बना दी है ये स्टूट भी एक ओवर में आई थिंक कोई 20 रन 21 रन दे चुका है ये पहले ओवर में। अरे भाई साहब ये इसको कहते हैं क्रिकेट, इसको देखने में भी मजा आता है कि यार ये क्या नाम है, इस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं ये होता है। तो अभी देख लेना, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इंडिया वालो पेम्पर कर लो टाइड, हारिस की जगह पे मैं डायलॉग बोल रहा हूँ क्योंकि हारिस नहीं है। तो भाई इंशाल्लाह यहाँ तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे और 100% जीतेंगे इस तरीके से ये लोग क्रिकेट खेल लेना। अभी देखते हैं पहला ओवर हुआ है, अभी तो जानिए, अभी तो रुको जरा, टेंशन नहीं लेनी है। इंडिया वालों घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पूरी वीडियो देखेंगे तुम्हें कसम है, अगर हम लोग जीत भी जाए तब भी देखनी है। तो अभी देखते हैं सेकंड ओवर में क्या होता है, एक दो ओवर के बाद आपसे मिलते हैं। बस ये है कि आप लोगों को घबराना नहीं है, पूरा देखना। सब पाकिस्तान के 109 रन हो चुके हैं, अभी भी इसके बाद ओवर बाकी है और पाकिस्तान मुझे लग रहा है कि इसी ओवर के अंदर इंडिया की बैंड बजा दी है पाकिस्तान ने भाई, जिस तरीके खेला यार दिल खुश हो गया आज मैच देख के, जिस तरीके आसिफ अली ने 50 रन मारा और जो धोया है आज इंडिया को। इंडिया वालों ये भाई साफ सीधी बात है, 8 बॉलों पे 11 रन चाहिए और जिसमें इसने अपना इस बॉल में भी छक्का मारा है भाई, साफ क्या बोलना चाहोगे। अच्छा भाई मैंने फुल अपना मतलब पूरा करा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा ना उस तरीके से ये रिकवर भी कर रहे हैं भाई, बड़ा मजा आया। और भाई पाकिस्तान वालों बहुत बहुत मुबारक, मैं बता रहा हूँ आप जीत गए, बात ही खत्म हो गई क्योंकि सारा मैच निकल गया ना, आप जीत गए और आपको बहुत बहुत मुबारक और खैर हो गई, इंडिया नेक्स्ट टाइम फिर तैयारी करके आएंगे। नहीं ये अगर हम हार जाते ना ये बहुत बजाते, हमें बजानी तो थी ना वैसे, हम इतने टाइम से दलील हो रहे तो कुछ टाइम हमें भी तो दो मौका यार जीतने का। खैर आप नेक्स्ट टाइम आप तैयारी कर आना, फुल हर चीज में एक्टिव होकर आना, और तुम बुड्ढे तो खिला रहे हो, कम से कम नए लड़के तो भेजते हैं, तुमने भी चलती बनाई है, तुम सारा फोकस तुम्हारा सीरीज के ऊपर है न्यूजीलैंड वाली में, ऐसी बात है वहाँ पे तुम जलील हो रहे हो, तुम यहाँ पे तुम फोकस नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता भाई, हर जगह प्रॉपर फोकस करो, नाम है तुम्हारा भाई, इस तरीके से नहीं करो अपना। चलो देखते हैं अभी क्या होता है। तो भाई तुम लोग, मैं यही बोला बुड्ढो को कहाँ लेके आ गए तुम हांगकांग के अंदर, मेरे को तो हंसी आ रही इस चीज पे, तुमने बुड्ढे भेज दी हांगकांग के अंदर जहाँ पे भाई उधर तो मारना ही मारना होता, उनके कभी यहाँ चुक आ रही है कभी यहाँ चुक आ रही है भाई, तुम किदार यादव क्या नाम है उसका, वो यू बोल करा रहा है क्या, वो करवा रहा है क्या, उसका तारक मेहता का उल्टा चश्मे का टूर्नामेंट चल रहा है क्या, हो तुम लोग कौन सी चीज हो। अबे भाई पाकिस्तान के खिलाफ खेलने आ रहे हो, कम से कम बंदे तो ढंग के भेजो, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना अपना लास्ट अपने 7 बॉलों पे आई थिंक 5 रन चाहिए वही मशरफ है, और ये मुझे लगता है कि इसी बॉल पे ये पूरा करेगा, देखते हैं ये क्या होता है क्या है। 7 बॉलों पे 5 रन चाहिए भाई, ये वापसी कोई पता नहीं कौन सा बॉलर है, शहबाज है कौन है, तिवारी है कौन है, ले भाई चेक करो, कभी इतना खतरनाक छक्का देगा तुमने, इतना लंबा छक्का वहां बेका है पश्चिम में गया उत्तर, राणा ने यार क्या, राणा यार क्या बात है, इंडिया वालों की बोलती बंद भाई, आज के बाद इंडिया को 6 विकेट से हराया पूरे 5 ओवर में 121 रन 152 हमने चेस किया, 2021 अपना क्या बोलते 21 के अंदर एक भी आउट नहीं हुआ, हमने ये चेस किया 121 रन एक भी आउट नहीं हो रहा, कौन कौन सी जिल्लतें बाकी है अभी, मैं तो ये सोच रहा हूँ। खैर हो गई, आपने हमें बहुत मैच हारा है, बहुत सारा कुछ हो गया, लेकिन हम जो रिकॉर्ड बनाते ना, जब रिकॉर्ड जब बनाते तो इन लोगों की बोलती बन रही थी वालों की, ये कि भाई रिएक्शन वीडियो आपने बोला था कि रिएक्शन वीडियो बनाओ क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग पसंद करते हो, इसको प्यार देना और बहुत ज्यादा प्यार करो, कमेंट करो, क्या बोलना चाहोगे भाई।
भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि दिल पे नहीं लेना भाई, जरा अच्छे अच्छे कमेंट कर देना और देखना जरूर, क्योंकि जब हम हारते हैं आप तो दस्ती आ जाते हैं, बाप बाप होता है। तो बहरहाल ये इंडिया पाकिस्तान का मैच बड़ा दिल खुशी होता है, तो भाई आप जरूर आए, देखें, एंजॉय करें। अभी तो पूरा टूर्नामेंट बाकी है, फिर देखते हैं आगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में भी जा चुका है अभी, तो ये है कि देखते ही है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऑलरेडी अच्छा है, तो इंडिया वालों आज तुम्हें हरा दिया है, उम्मीद है कि वहाँ पे थोड़ा सा अमन और शांति वाला माहौल बना होगा, नहीं तो तुम आते हो सोशल मीडिया पे उल्टे सीधे कमेंट करते हो पाकिस्तान के खिलाफ, पोस्टिंग करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ट्रोल तुम भी करते हो, तुम भी कम नहीं हो, ये मत समझना कि तुम्हारी तरफ से कोई ट्रोल नहीं करता, पाकिस्तान को बहुत करते, तो हमारा भी हक बनता है कि तुम लोगों को ट्रोल करें, क्योंकि भाइयों भाइयों में ऐसा होता रहता है। तो भाई फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप रखें अपना ख्याल, चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक से देख रहे हो फॉलो करो, जब तक रहो अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।